आज के इस वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। देखो, जलवायु विज्ञान को शुरू करने से पहले हम कुछ इसमें बेसिक चीजें हैं वो समझते हुए चलेंगे। पहले इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम समझ करके आगे बढ़ेंगे, जिनको क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो छोटी छोटी चीजें हमें काफी दिक्कत करेंगी, इसलिए हम उनको पहले ही कवर कर लेते हैं। और इसमें शुरू करने से पहले एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे, कोई भी वीडियो, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, अगर भू आकृति विज्ञान का आप कोई बीच से वीडियो देखते हैं, बीच की कोई क्लास करते हैं, तो वो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम उसको स्टार्ट से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे समझते हुए उसको आगे बढ़ते चलते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर ज्योग्राफी अगर आपको ठीक से पढ़ना है तो जियोमॉर्फोलॉजी के फर्स्ट से 12 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, और जिसमें से अगर आपको देखना है तो शुरू से लेकर के 12वां तक अंतिम तक देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको समझना और भी आसान हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान के अंदर छोटी छोटी बातें हैं, पहले तो वो समझते हुए चलेंगे कि वायुमंडल, तो वायुमंडल होता क्या है? वायुमंडल गैसों के समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? गैसों का समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? जो गैसों के समांगी मिश्रण से एक निर्मित परत होती है जो क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। और इसमें कौन कौन सी गैसें होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 और H2O यानी कि जलवाष्प। ये सभी इसमें ये गैसें होती है, ये इसका घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ क्रम जरूर ध्यान रखना, वायुमंडल के अंदर गैसों का सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद CO2 और सबसे कम मात्रा में होती है जलवाष्प। ये इसका घटता हुआ क्रम है। इसके अंदर जो ये नाइट्रोजन से लेकर के CO2 तक है, ये गैसें होती है, ये होती है स्थाई गैसें। ये क्या होती है? स्थाई गैसें होती है। जबकि जो जलवाष्प होता है वो क्या होते हैं? ये परिवर्तनशील होती है। ये क्या होती है? परिवर्तनशील गैस होती है। जलवाष्प होती है गैस, जलवाष्प है H2O, ये परिवर्तनशील गैस होती है। ठीक है, तो ये तो है जलवायु के बारे में। अगला है मौसम। मौसम क्या होता है? देखो, मौसम जब वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल हमने पढ़ा, वायुमंडल क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सर ऑफ गैसेस, गैसों का समांगी मिश्रण। तो जब वायुमंडल के अंदर अल्पकालीन परिवर्तन होता है, अल्पकालीन परिवर्तन वायुमंडल में, अल्पकालीन परिवर्तन के प्रभाव को, इसके अंदर परिवर्तन होगा कौन सा? अल्पकालीन परिवर्तन, अल्पकालीन परिवर्तन के प्रभाव को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। मौसम के अंदर ये सीमित क्षेत्र में होगा। क्या विशेषता होती है इसकी? कि ये सीमित क्षेत्र में होता है, सीमित क्षेत्र में होगा मौसम है उसके अंदर। दूसरा, ये इसका समय होता है एक निश्चित समय के लिए होता है। समय क्या होगा? निश्चित, एक निश्चित समय होता है इसके लिए। और जो इसकी अवधि होती है, अवधि होती है वो अल्प अवधि होती है, कुछ समय के लिए ही होता है। जैसे मौसम में परिवर्तन होगा सीमित क्षेत्र में होगा, और उसकी अल्प अवधि होती है वो क्या होती है? अल्प होती है, कुछ समय के लिए ही होती है, अल्प अवधि होती है। इसी प्रकार अगला हम पढ़ते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु क्या है? मौसम में, मौसम में हमें पता है वायुमंडल में जब अल्पकालीन परिवर्तन होता है वो कहलाता है मौसम, और मौसम के अंदर, मौसम हमने पढ़ा, और जब मौसम में दीर्घकालीन परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन? मौसम में दीर्घकालीन परिवर्तन के प्रभाव को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो जलवायु है वो कैसी होती है? ये तो सीमित क्षेत्र में होता है, लेकिन जलवायु है वो विस्तृत क्षेत्र में होती है। क्षेत्र इसका क्या होता है? विस्तृत होती है। और इसकी अवधि होती है वो क्या होती है? दीर्घकालीन होती है। अवधि क्या होती है इसकी? दीर्घकालीन अवधि होती है। तो हमने ये छोटी छोटी बातें समझी कि वायुमंडल क्या है, मौसम क्या है, और जलवायु क्या होती है। तो आगे देखते हैं तापमान के बारे में।
छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे कि जो आगे हमारे, क्योंकि बीच में ये दिक्कत करेंगी, आगे जब बीच में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें बीच बीच में आएंगी तो वो परेशान करेगी, इसीलिए हमें पहले ही उसको पढ़कर चल रहे हैं। तापमान, तो एक होता है दैनिक तापमान। दैनिक तापमान, दैनिक तापमान क्या होता है? दैनिक तापमान होता है 24 घंटे का औसत तापमान। 24 घंटे का औसत तापमान क्या कहलाता है? दैनिक तापमान कहलाता है। अगर इसी प्रकार देखें तो दैनिक जो ये तो तापमान है, दैनिक तापमान है, लेकिन दैनिक तापांतर क्या होता है? दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर होता है दिन का तापमान, दिन के समय का तापमान माइनस रात के समय का औसत तापमान, ये क्या कहलाता है? दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर क्या होगा? दिन के जो औसत तापमान है वो और रात का तापमान, उसका अंतर क्या कहलाता है? दैनिक तापांतर कहलाता है। इसी प्रकार तीसरा होता है मासिक तापमान। मासिक तापमान, मासिक तापमान क्या होता है? एक दिन और इसी प्रकार से 30 दिन का जो औसत तापमान होता है, एक दिन से लेकर के 30 दिन का जो औसत निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो बटे 30, तो 1 से 30 दिन का जो औसत तापमान होता है वो क्या कहलाता है? मासिक तापमान कहलाता है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु का तापमान, ग्रीष्म ऋतु का तापमान, ग्रीष्म ऋतु का तापमान देखो यहां पर, ग्रीष्म ऋतु का तापमान 6 महीने का तापमान होता है, मार्च से लेकर के सितंबर तक, मार्च से लेकर के और सितंबर तक, और कितने महीने हो गए ये? 6 महीने। तो ग्रीष्म ऋतु का तापमान क्या होता है? मार्च से लेकर के सितंबर तक का ये 6 महीने का औसत निकाल लेते हैं, उसका 6 महीने का औसत तापमान क्या कहलाता है? ये मार्च से लेकर के सितंबर तक का औसत निकालते हैं वो ग्रीष्म ऋतु का तापमान कहलाता है। और इसी प्रकार शीत ऋतु का औसत तापमान, तो शीत ऋतु का औसत तापमान कहां से होगा? सितंबर से लेकर के और यही आगे आने वाले मार्च तक, और ये 6 महीने का औसत निकाल लेते हैं, तो ये क्या होता है? शीत ऋतु का औसत तापमान। और अगर बात करें वार्षिक तापांतर की, वार्षिक तापांतर, तो जो वार्षिक तापांतर क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान, ग्रीष्म ऋतु का जो औसत तापमान है, ध्यान रखना औसत तापमान, माइनस शीत ऋतु का औसत तापमान, तो इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? वार्षिक तापांतर। इसमें एक बात और ध्यान रखना, इनसे यानी कि दैनिक तापमान, दैनिक तापांतर और मासिक तापमान, इनसे मौसम का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? मौसम का अध्ययन किया जाता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु का तापमान, शीत ऋतु का तापमान और वार्षिक तापांतर, इनसे किसका अध्ययन करते हैं? इससे जलवायु का अध्ययन किया जाता है, जलवायु का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना जलवायु का अध्ययन ग्रीष्म ऋतु का तापमान, शीत ऋतु का तापमान, वार्षिक तापांतर है, वार्षिक तापांतर, ये सब जलवायु का अध्ययन किया जाता है। और मौसम का अध्ययन में दैनिक तापमान, दैनिक तापांतर, मासिक तापमान से मौसम का अध्ययन किया जाता है। तो इनमें क्वेश्चन बन जाता है मौसम का अध्ययन किसके द्वारा नहीं किया जाता? दैनिक तापमान, दैनिक तापांतर, मासिक तापमान और ग्रीष्म ऋतु का तापमान या वार्षिक तापांतर। तो किससे नहीं किया जाता? वार्षिक तापांतर या ग्रीष्म ऋतु का तापमान है, इससे नहीं किया जाता है। अगला इसी के अंदर देखते हैं तापमान। तापमान को देखो, तापमान के बारे में, तापमान होता क्या है? तापमान के बारे में भूगोल क्या कहता है? तापमान, क्योंकि जलवायु विज्ञान के अंदर तापमान का ही एक अहम रोल होता है, तो तापमान के बारे में देखो विज्ञान क्या कहता है, ज्योग्राफी है, भूगोल है वो क्या कहता है, और पर्यावरण है वो क्या कहता है, तीनों के बारे में हम देखते हैं। तापमान के बारे में विज्ञान कहता है कि तापमान है वो एक मापक है। क्या है वो? एक मापक है जो किसी भी वस्तु में, कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु में निहित उष्मा का मापन करता है। किसका मापन करता है? उष्मा का मापन करता है। तो विज्ञान क्या कहता है तापमान के बारे में? कि तापमान एक मापक है जो क्या करता है? किसी भी वस्तु में निहित, कि उसमें उष्मा की मात्रा कितनी निहित है उसका मापन करता है।
इसी प्रकार भूगोल है, भूगोल है इसके बारे में क्या कहता है, तापमान के बारे में भूगोल कहता है कि जो तापमान है वो मौसम या जलवायु इसको प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। भूगोल क्या कहता है तापमान के बारे में कि जो तापमान है वो मौसम या जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण कारक होता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तापमान। किसको प्रभावित करने वाला? मौसम या जलवायु को प्रभावित करने वाला। इसी प्रकार यदि पर्यावरण है, पर्यावरण क्या कहता है? पर्यावरण कहता है कि तापमान में परिवर्तन ही, किसमें? तापमान में परिवर्तन ही जलवायु के अंदर या पर्यावरण में परिवर्तन का प्रमुख कारण है। समझे ना कि तापमान में परिवर्तन के कारण ही किसमें परिवर्तन होता है? पर्यावरण के अंदर परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन ही पर्यावरण में परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो यहां हमने देखा कि उष्मा का जिक्र आया, तो इसको पढ़ेंगे हम उष्मा के बारे में। उष्मा क्या होती है, बेसिक चीजें उष्मा के बारे में जो आगे हमारे काम आएगी। तो उष्मा क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। हीट, उष्मा, उष्मा क्या होती है? ये एक ऊर्जा का प्रकार है। उष्मा क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है। और ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होता है? सौर्य ऊर्जा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो मुख्य स्रोत है ऊर्जा का वो क्या है? सौर्य ऊर्जा। समझे ना कि उष्मा क्या है? उष्मा ऊर्जा का प्रकार है। और ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सौर्य ऊर्जा उष्मा का मुख्य स्रोत होता है। तो जो सौर्य ऊर्जा है, समझ से आएगी, सौर्य ऊर्जा कहां पर? दो, या तो हरे वनस्पति अवशोषित करेंगे, हरे वनस्पति, दूसरा वायुमंडल या पृथ्वी की सतह, ये दो जगह पर ही अवशोषित होगी सौर्य ऊर्जा। अब जो हरे वनस्पति होते हैं वो सौर्य ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, सौर्य ऊर्जा को लेकर के किसमें परिवर्तित कर देते हैं? सौर्य ऊर्जा को लेकर के जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। किसमें परिवर्तन करते हैं? सौर्य ऊर्जा का जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। और किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हरे वनस्पति सौर्य ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? देखो पौधे हैं वो क्या करेंगे? CO2 का यूज करते हैं, प्लस जमीन से क्या लेते हैं? वायुमंडल से तो CO2 ले रहे हैं, जमीन से जल ले रहे हैं, और सनलाइट इनको मिल रही है, सनलाइट है वो मिल रही है। इसके अलावा हरे पत्ते होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर अपना भोजन बनाते हैं C6H12O6, क्या बन गया ये? ग्लूकोज। और प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन वातावरण के अंदर छोड़ देते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। तो समझे ना, तो हरे वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया के द्वारा सौर्य ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं? जैव रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। दूसरी तरफ जो वायुमंडल या पृथ्वी की सतह है, ये देखते हैं ये क्या करती है। सौर्य ऊर्जा को ये मिटा देते हैं। वायुमंडल या पृथ्वी की सतह ये क्या करेगी? सौर्य ऊर्जा को क्या करेगी? अवशोषित करेगी। सौर्य ऊर्जा को अवशोषित करती है। सौर्य ऊर्जा के जब अवशोषण होता है सौर्य ऊर्जा को, तो सौर्य ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। सौर्य ऊर्जा का अवशोषण होगा कहां पर? या तो वायुमंडल के अंदर या कहां पर? पृथ्वी की सतह के ऊपर। तो सौर्य ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। और जब सौर्य ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है तो टेम्परेचर है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। समझे ना, तो टेम्परेचर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है। तो उष्मा के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं कि उष्मा है वो दो प्रकार की होती है। हीट है,
वो दो प्रकार की होती है, एक तो संवेदनशील ऊष्मा और दूसरी होती है गुप्त ऊष्मा। संवेदनशील ऊष्मा, सेंसिबल हीट, और दूसरी होती है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। दो प्रकार की होती है, दोनों हमारे काम आएंगी बीच बीच के अंदर, जो क्लाइमेटोलॉजी हमारा जलवायु विज्ञान जो टॉपिक है उसके अंदर दोनों काम आएंगी, संवेदनशील ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। दोनों को अभी पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, सेंसिबल हीट होती है, संवेदनशील ऊष्मा होती है, उसमें क्या होता है सौरीय ऊर्जा है। सौरीय ऊर्जा का क्या होता है, सौरीय ऊर्जा का जब अवशोषण होता है, सौरीय ऊर्जा का क्या हुआ अवशोषण हुआ, तो अवशोषण हुआ तो अणुओं की गतिज ऊर्जा है, ध्यान रखना अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि होती है, उसमें क्या होती है वृद्धि होती है। सौरीय ऊर्जा का जब अवशोषण होता है तो क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अणु होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, उसके अंदर वृद्धि होती है। तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन, गतिज ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, गणित गतिज ऊर्जा है उसके जिस अनुपात का परिवर्तन किस में होता है, ऊष्मा में होता है, उसे क्या कहते हैं संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। समझे ना, कि गतिज ऊर्जा के जिस अनुपात का परिवर्तन किस में होता है, ऊष्मा में होता है, उसे क्या कहते हैं संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। और संवेदनशील ऊष्मा का टेम्परेचर से, सेंसिबल हीट का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिबल हीट। समझे ना, देखो संवेदनशील ऊष्मा क्या होती है, इसको समझो, सौरीय ऊर्जा के अवशोषण से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और अणुओं की गतिज ऊर्जा के जिस अनुपात का परिवर्तन ऊष्मा में होता है उसे क्या कहते हैं संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। और संवेदनशील ऊष्मा का टेम्परेचर से सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसीलिए टेम्परेचर के बढ़ने पर सेंसिबल हीट है, संवेदनशील ऊष्मा है वो भी बढ़ती है, टेम्परेचर के कम होने पर संवेदनशील ऊष्मा है वो भी कम होती है। तो ये तो था संवेदनशील ऊष्मा। दूसरा पढ़ते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में, गुप्त ऊष्मा क्या होती है। देखो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कारण है, किसमें परिवर्तन होता है, पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो गुप्त ऊष्मा में भी परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कारण गुप्त ऊष्मा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्यों क्यों होता है, गुप्त ऊष्मा में यहां पर परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि इसका संबंध किससे है, अणुओं की गतिज ऊर्जा से है, इसका संबंध किससे है, अणुओं की गतिज ऊर्जा से है। देखो पदार्थ की जब अवस्था परिवर्तित होती है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कारण क्या होता है, गुप्त ऊष्मा में भी परिवर्तन होगा, अवस्था पर परिवर्तन होगा तो गुप्त ऊष्मा है वो भी परिवर्तित होगी। क्यों होता है, क्योंकि इसका संबंध है किससे होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा से होता है। जब जैसे देखो बर्फ है, बर्फ से क्या बना, जल बना, जल से क्या बना, वाष्प बना, वेपर्स बने। तो पहले क्या है, पदार्थ बर्फ सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से वेपर बने, तो यहां पर अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है, गुप्त ऊष्मा में भी परिवर्तन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका संबंध किससे है, अणुओं की गतिज ऊर्जा से है। तो बर्फ से जल बना, जल से वाष्प बना, देखो इसके अंदर अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, जैसे ही जल में परिवर्तित हुआ अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो, अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने लगी, फिर जल से वाष्प बने तो इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो और अधिक बढ़ गई। तो देखो जैसे जल है, जल से बना जलवाष्प, क्या हुआ, कौन सी प्रक्रिया हुई, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ये कंडेंसेशन, संघनन।
वेपराइजेशन, जल से जलवाष्प बने किस प्रक्रिया के द्वारा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जलवाष्प पे उनका कंडेंसेशन हुआ, संघनन होने के बाद फिर से वर्षा हुई और वर्षा से फिर से वो किसमें परिवर्तित हो गया, जल के अंदर। और यही क्या होता है, जल चक्र होता है। तो लेकिन होता क्या है इसके अंदर, जल है, जल के अंदर जो संवेदनशील ऊष्मा है, क्या है संवेदनशील ऊष्मा, यहां पर जलवाष्प में क्या है गुप्त ऊष्मा, जल संवेदनशील ऊष्मा है। तो यहां पर अणुओं की गतिज ऊर्जा किसकी, यहां पर जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है, अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। लेकिन जलवाष्प के अंदर जो अणु है उनकी गतिज ऊर्जा है वो अधिक होती है। तो वाष्पीकरण के समय क्या होता है, यहां से हम देखते हैं कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में क्या होता है, जल की सतह से मान लियो कि ये जल है, ये जल की सतह है, जल की सतह है, और जल की सतह से क्या होता है वायुमंडल, ये वायुमंडल, ये जल की सतह से वायुमंडल के अंदर, जल की सतह, ये जल की सतह से वायुमंडल के अंदर जलवाष्प के द्वारा, ये जलवाष्प के रूप में गए, जल किसके, जलवाष्प के द्वारा, जलवाष्प के रूप में आए ना, वायुमंडल के अंदर आए, जलवाष्प के द्वारा गुप्त ऊर्जा के रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, कहां से हुआ, जल की सतह से वायुमंडल में किसका स्थानांतरण हुआ, ऊर्जा गई, जल की सतह, जल से गई ऊर्जा कहां पर गई, वायुमंडल के अंदर गई, किस रूप में गई, जलवाष्प के रूप, जलवाष्प के द्वारा गई, और किस ऊर्जा के रूप में गई, ये गई गुप्त ऊर्जा के रूप में, गुप्त ऊष्मा के रूप में। ये क्या होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, जल की सतह से वायुमंडल में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, और किस रूप में, गुप्त ऊर्जा के रूप में, गुप्त ऊष्मा के रूप में स्थानांतरण हुआ। तो जलवाष्प के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम, ये तो हमें पता है कि जल की सतह से वायुमंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया, कहां से हो गया, जल की सतह से और वायुमंडल में हो गया, और किस रूप में हो गया, गुप्त ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण हुआ है। तो वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या होती है, एक प्रक्रिया है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में आवश्यक दशाएं क्या होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान क्या परिवर्तन होता है वो पढ़ेंगे हम, वो जानेंगे, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया है उसके अंत में प्रभाव क्या होता है, इन तीनों चीजों के बारे में जानेंगे हम। देखो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दशा क्या होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दशा होती है कि जो जल की सतह है, जैसे ये जल है, और जल की सतह का तापमान, यहां का जो जल है ना उसका टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, किससे, वायुमंडल से, जल की सतह का तापमान वायु के तापमान से अधिक होना चाहिए। तो ये तो क्या होती है, वाष्पीकरण के लिए आवश्यक दशा होती है। तो समझे हम कि वाष्पीकरण के लिए आवश्यक दशा क्या होती है, जल की सतह का तापमान वायु के तापमान से, वायुमंडल है उसके तापमान से अधिक होना चाहिए। तो ये तो आवश्यक दशा होती है। इसके दौरान परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जल की सतह से ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, जल की सतह से जो संवेदनशील ऊष्मा है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, संवेदनशील ऊष्मा है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है। संवेदनशील ऊष्मा है किसमें परिवर्तित हो जाती है, गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है, और जो जल है उसका टेम्परेचर, जल का टेम्परेचर है उसके अंदर क्या आती है, कमी आती है, ठीक है ना। तो आवश्यक दशा, जल की सतह का तापमान वायु के तापमान से अधिक होना चाहिए। वाष्पीकरण के दौरान परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन होगा कि जो संवेदनशील ऊष्मा है वो किसमें परिवर्तित होती है, गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा क्या प्रभाव होगा, जो जल की सतह का तापमान है उसके अंदर कमी आती है, जल के तापमान में कमी आती है, क्यों आती है, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है कहां पर, वायुमंडल के अंदर, जल की सतह से, किस रूप में, लेटेंट हीट के रूप में, लेटेंट हीट के रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। और अंत में प्रभाव क्या होगा,
अंत में प्रभाव होगा कि जल का तापमान किसके तापमान के बराबर हो जाएगा, जो वायु का तापमान है दोनों का तापमान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। ये जल की सतह का तापमान वायु के तापमान के बराबर हो जाता है, तो ये अंत में प्रभाव होता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को हमने समझा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो किस क्या होती क्या है प्रक्रिया, ठीक है, होती क्या है इसमें ये हमने जाना। दूसरा, आवश्यक दशा क्या होती है, इसके दौरान परिवर्तन क्या होते हैं और इसके अंत में क्या प्रभाव होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान। तो ये तो था हमारा आज का, जिसमें हमने बेसिक चीजें जानी क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, जिसमें जाना हमें वायुमंडल क्या होता है, मौसम के बारे में जाना, जलवायु के बारे में जाना, जिसमें टेम्परेचर के बारे में जाना, टेम्परेचर के बारे में दैनिक तापमान, दैनिक तापांतर, मासिक तापमान, मासिक जो ग्रीष्म ऋतु का तापमान क्या होता है, शीत ऋतु का तापमान क्या होता है, वार्षिक तापांतर क्या होता है। दूसरा, तापमान को विज्ञान क्या कहता है तापमान के बारे में, भूगोल क्या कहता है तापमान के बारे में, और जल और जो पर्यावरण है वो क्या कहता है इसके बारे में। ऊष्मा के बारे में जाना हमने, ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, क्या प्रभाव होगा सौर्य ऊर्जा का, हरे वनस्पति क्या करते हैं वायुमंडल और पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, ठीक है। संवेदनशील ऊष्मा के बारे में पढ़ा, गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ा, ठीक है, और वाष्पीकरण के बारे में इसमें हमने पढ़ा। तो ये तो थी छोटी छोटी बातें इसके अंदर, जो आगे क्लाइमेटोलॉजी का जो आगे का टॉपिक है उसके अंदर हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो आज की डिस्कशन में, आज के लेक्चर में इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए। थैंक यू।